लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम सबके लिए, क्योंकि लॉन्ड्री का मतलब सिर्फ कपड़ों को वॉश करना ही नहीं होता, बल्कि कपड़ों के वॉश करने से लेके उनको सुखाना, फोल्ड करना, आयरन करके, जब तक सबकी क्लोजेट्स में सेटल नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब कभी हम इसको बिना शेड्यूल के करते हैं तो कई बार ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हम 6 मेंबर्स फैमिली हैं और मैं अपनी लॉन्ड्री रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं वीक में इसको कब, कैसे और कितनी बार करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। का बैक बरामदा है जहाँ मैंने एक शेल्फ पे डिटर्जेंट, विनेगर और बाकी सब सामान रखा है जो लॉन्ड्री के लिए यूजेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वी आर 6 मेंबर्स फैमिली और हर 2 मेंबर्स के लिए एक लॉन्ड्री बास्केट रूम में रहती है, और सबके रूम से बास्केट्स कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं वाइट कलर और सॉक्स वगैरह को अलग कर लेती हूँ। मैं कपड़ों को वंस इन अ वीक या डेली वॉश नहीं करती, बल्कि ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ, और संडे की लॉन्ड्री मस्ट होती है। बहुत छोटे गारमेंट्स जैसे कि सॉक्स वगैरह को मैं इस तरह के एक नेट बैग में डाल देती हूँ ताकि वो एक साथ रहे और मिसप्लेस ना हो। डिटर्जेंट के साथ मैं इसमें ऐड करती हूँ कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, जिससे कि कपड़ों में अच्छी फ्रेग्रेंस बनी रहे। व्हाइट कपड़ों को मैं पहले अलग से एक बकेट में फैब्रिक व्हाइटनर डाल के डिप कर लेती हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद वॉशर में डालती हूँ। संडेस को कपड़ों के साथ साथ बेडशीट और टॉवल्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करती हूँ ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए और हम संडे को सब साथ में एंजॉय कर सकें। बेडशीट, टॉवल्स और एक्टिविटी गारमेंट्स वगैरह में डिटर्जेंट के साथ साथ मैं 1 कप विनेगर, जो डिसइनफेक्टेंट क्लीनर का काम करता है, ऐड करती हूँ। और साथ ही अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए आप अपना मनपसंद एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लेवेंडर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। किचन नैपकिन को डिप कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर में, बेकिंग सोडा, विनेगर, एसेंशियल ऑयल और डिटर्जेंट डाल के थोड़ी देर उसको डिप रहने देती हूँ, उसके बाद उसको वॉश करती हूँ। नेक्स्ट लोड लगाने से पहले अगर पहले लोड को सेटल कर लिया जाए तो बेटर रहता है, पाइल अप करने से काम जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए कपड़े सुखाने के बाद साथ साथ मैं उसको फोल्ड कर लेती हूँ, उसमें हेल्प लेती हूँ अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की। माई मदर इन लॉ इज़ अ वेरी हेल्पफुल लेडी, तो हमेशा मेरी काफ़ी कामों में हेल्प करती हैं, और बच्चों की हेल्प लेती हूँ, जैसे मैंने बताया कि संडे को कपड़ों को फोल्ड करने में, उनको आयरन करने में बच्चे भी हेल्प कर देते हैं। रात को सीनियर्स और जूनियर्स को डिनर देने के बाद चेयर पे बैठ के हस्बैंड के आने की वेट करने की बजाय आयरन का काम करना पसंद करती हूँ। एडवाइस यही है कि आप अपने टाइम के हिसाब से करें, लेकिन नेक्स्ट लोड लगाने से पहले प्रीवियस लोड सेटल कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।